तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपके टेस्टी वाले जमे बन के बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही खिले खिले बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। नमक मिर्च मसाला सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही एक एक दाना अलग अलग, बिल्कुल चिपके भी नहीं और पूरी तरह से गल भी गई है। ये थोड़ा सा टेस्ट करके बताऊँ कैसे बने हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये वाले जवे, वेजिटेबल जवे, ये है रोस्टेड वर्मीसिली, ये आधा पैकेट बनेगा। तो ये बनेगा आज, तो ये मैंने आधा पैकेट के आसपास ले लिया और इसको 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल के अब मैं इसको भून रही हूँ। इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर ये अच्छी तरह से हमने नहीं भुना ना तो फिर ये ठीक से गलेंगी नहीं, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये अब हमारा भुन गया है, जैसे सूजी भुन जाती है ना वैसे, उसके बाद एक खुशबू सी आती है सूजी में, वैसे इसमें से भी खुशबू आने लगी है और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये इजीली भुन जाएगा। जैसे सूजी भूनते हैं तो साथ साथ चलाना पड़ता है ना, तो ऐसे ही इसको भी हम साथ साथ चलाते रहेंगे, क्योंकि ये भी नीचे लग गया ना तो फिर जल भी सकता है। इस तरीके से अभी हमारा ये भुन गया है और इसको हम इधर प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसी कढ़ाई में मैं फ्राई करूँगी सब्जियों को। सब्जी मतलब सिर्फ आलू को फ्राई करूँगी। ये 3 आलू लिए, आलू को काट लिया मैंने, एक शिमला मिर्च को भी, वेजिटेबल्स, थोड़े से मटर, मटर तो ये रखे, और थोड़ा सा गाजर। ये सारे वेजिटेबल्स और हरी मिर्च काट के रख ली। ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं ये मैं ऐड करके फिर बनाएंगे इनको। तो अभी ये हमारा भून गया, इसको इधर निकाल लेते हैं। ये हम आलू फ्राई कर रहे हैं और ये हमें अब भून गया। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे आलू फ्राई हो गए और हमारे सारे वेजिटेबल्स भी रेडी हैं, गाजर, शिमला एंड मटर एंड प्याज। ठीक है, चलो अब इसको तड़का मारते हैं। तो ये हमने इसमें सबसे पहले सरसों के दाने डाल दिए, फिर थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौंफ डाल दिया। ये भुन गया, तड़कने लगा, तो हम इसमें अभी थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा प्याज डालेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा पिंक सा करेंगे बस। बस प्याज ही हल्का सा करेंगे ताकि इसे कच्चापन निकल जाए, ज़्यादा नहीं जलाना है इसको, नहीं तो फिर स्वाद बिगड़ जाएगा। और फटाफट हम गाजर मटर डाल देते हैं। ये हमने सारी सब्जियां डाल दी, थोड़ा सा ना इसको हम पका लेंगे, क्योंकि मटर गाजर वगैरह ना गल जाए, तो इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तब तक हम ये एक टमाटर लेते हैं और इसको बिल्कुल बारीक सा काट के ना फिर टमाटर ऐड करेंगे इसमें। तो अभी हमने इसमें टमाटर डाल दिए और नमक मिर्च मसाला हल्दी ये सब डाल दिया। अब इसके तो पेरा कलर आ गया ना सब्जियों का। अभी थोड़ा सा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, 5 मिनट हम इसको पका लेंगे, फिर हम अपने आलू ऐड करेंगे और ये ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से सब हमने इसमें ऐड कर दिया, जवे, आलू वगैरह, एवरीथिंग। ठीक है, अभी सब कर दिया और पानी मतलब इतना पानी मैं डालती हूँ जिसमें ये सारा ना भीग जाए, सारे जवे जो भीग जाए, बहुत ज़्यादा भी ना, 1 या 2 ग्लास के आसपास अंदाजे से डालती हूँ घर में, तो कि ये पूरे जवे इसमें भीग जाए। और 10 मिनट इसको हम हल्के सेक पे रखेंगे ताकि सब आपस में मिक्स से हो जाए, पानी उड़ जाए। तो बस अभी से 10 मिनट के लिए हल्के सेक पे मैं ये ढक के रख देती हूँ, तो 10 मिनट्स बाद फिर देखते हैं इसको। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये बन गया क्या। सुंदर लग रहे हैं, ये रेडी है। 15-20 मिनट लगे हैं इसको, बड़े आराम से हल्के सेक पे मैंने करा था इसको। इसको हल्के सेक पे करेंगे ताकि ये जवे ना अच्छी तरह से गल भी जाए। तो ये देखो, बस ये बन गए हैं नीचे भी। चलो इसको, ये प्लेट निकाल लिया मैंने, इसमें सर्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सर्व करते हैं। ये देखो,
इतने खिले खिले ना, इतने बढ़िया बने हैं, अलग अलग से बिल्कुल, इतने ऐसे स्लिप मार रहे हैं। आई गर्मा गर्म, चलो। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपके टेस्टी वाले जमे बन के बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही खिले खिले बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। नमक मिर्च मसाला सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही एक एक दाना अलग अलग, बिल्कुल चिपके भी नहीं और पूरी तरह से गल भी गई है। ये थोड़ा सा टेस्ट करके बताऊँ कैसे बने हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया है। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।